इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की मुसीबत दूर करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुंबई समेत राज्य के हर हाईवे स्टेशन पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। 2025 तक 2375 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी का निर्णय लिया गया है। मुंबई में 1500, पुणे में 500, नागपुर में 150, नासिक में 100, औरंगाबाद में 75, अमरावती में 30 और सोलापुर में 20 स्टेशन बनेंगे। राज्य के करोड़ों घरों को रोशन करने के साथ ही सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को एनर्जी उपलब्ध कराने का जिम्मा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उठाया है। आगामी 3 साल में MMDSCA राज्य के हर कोने में 2375 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए कंपनी ने अब तक 13 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार कर चुकी है। 39 स्टेशन का निर्णय कार्य जारी है। इसमें मुंबई में 10, ठाणे में 6, नासिक में 2, औरंगाबाद में 2, पुणे में 17, सोलापुर में 2, नागपुर में 6, कोल्हापुर में 2, अमरावती में 2 स्टेशन शामिल है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। सीमित संख्या में चार्जिंग स्टेशन होने की वजह से सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की मुहिम को रफ्तार नहीं मिल पा रही थी। वाहन चालकों की इस समस्या को खत्म करने के लिए मुंबई समेत राज्य भर में स्टेशन तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। फिलहाल शहरी भागों में गिने चुने चार्जिंग स्टेशन है, वहीं राज्य के अधिकतर हाईवे पर वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। नतीजा लंबी दूरी के सफर के लिए अब भी लोग पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई से नागपुर के बीच अब बन रहे मुंबई नासिक हाईवे और नासिक पुणे हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। राज्य में चार्जिंग स्टेशन की मूलभूत सुविधा तैयार करने के लिए सरकार ने MMSDL को नोडल एजेंसी नियुक्त की है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल समेत अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपनी निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए आवेदन करता है तो उसे MMSDL द्वारा प्रमुखता से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए MMEDCL पावर ऐप नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। MSDAL के अनुसार ऐप के माध्यम से वाहन चालक अपने करीब के चार्जिंग स्टेशन व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।